ट्रैक हो गया, मैक्लोडगंज से हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं बरोट वैली। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बरोट वैली। तो मैक्लोडगंज से निकलकर हम लोग आ गए हैं बरोट वैली। ये एक छोटी सी वैली है जो उहुल रिवर के साइड में बसी हुई है, बहुत सुंदर है। और मैं अभी आपको मेरा रूम व्यू दिखाती हूँ, इतना अमेजिंग और ब्यूटीफुल है। तो गाइस ये है मेरा रूम व्यू, पीछे रिवर है और बहुत अच्छा साउंड आ रहा है रिवर का। मैं रेडी हूँ, अभी हम लोग जाएंगे वाटरफॉल ब्रेकफास्ट करने के बाद। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं रेडी हूँ, बाकी के तीनों अभी रेडी हो रहे हैं। हमेशा इतना स्लो रेडी होते हैं यार, मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वाटरफॉल है और यहाँ पे ट्राउट फिश की फार्मिंग काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे रिवर साइड पे कैंप्स भी हैं, आगे जाने के बाद डैम है, झील है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। वैसे हमारे पास आज ही का टाइम है, आज ही हमें यहाँ से निकलना है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हम लोग। वाटरफॉल पहुंच चुके हैं जो बरोट से 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारी एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा थी वाटरफॉल को लेके, बट स्टिल ये बहुत सुंदर है, दिख रहा है पीछे। शायद आप लोगों को दिख नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा क्लोज शॉट्स लेके आती हूँ। तो गाइस ये वाटरफॉल पे रेनबो बन रहा है, बहुत सुंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स रियल। वाटरफॉल पे बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं बड़े वाले वाटरफॉल पे। मेरे कुछ लोकल फ्रेंड्स हैं हिमाचल में जो आ गए, फिर उन्होंने हमें बताया कि एक और बड़ा वाटरफॉल है, शायद वही हमने गूगल में देखा था और हम हवाले पे आ गए। तो हम अब उनके साथ जा रहे हैं बड़े वाले वाटरफॉल पे, और ये सुमित सेफली ड्राइव करते हुए। छोटू वाटरफॉल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बड़ा वाला वाटरफॉल देखने। जो मैंने शूज पहने कॉन्वर्स, वो पत्थरों पे काफी ज्यादा स्लिप हो रहे हैं। अभी हमें ये चढ़ना है, फिर वाटरफॉल है और ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। शिट, चढ़ तो जाएंगे पर उतरेंगे कैसे, ऐसे स्लाइड करते हुए आएंगे। तो ये है मेरे बचपन का फ्रेंड, ये है आशीष, चलो आगे आगे। ये टीचर है स्कूल में और अपना स्कूल बंक मार के आया।
एक्सपीरियंस कैसा था? छोटा थोड़ा ज्यादा, बड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। हेलो हेलो, सिंपल था बहुत ही, उतरते हुए पता लगेगा, उतरते हुए जब लिफ्टेंगे। चलो चलो, नीचे और मैं भी अभी जैसे तैसे रगड़ते हुए उतर रहा हूँ। अब ये उतर रहे अरविंद, और ये मेरी हालत पूरे बाल कपड़े सब शूज सब गीले हो चुके हैं भाई। इतना अमेजिंग वाटरफॉल था, वाओ। हिमाचल की आधी ट्रिप छोड़ के मुझे वापस आना पड़ा, आधी नहीं मतलब आधी से भी ज़्यादा, 12 दिन की आइटनरी थी हमारी। हम लोग 4-5 दिन में वापस आ गए क्योंकि मुझे एक अचानक से एक मीटिंग की वजह से मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है। सुमित मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा है। लाइक ऑलवेज, लाइक ऑलवेज, तो जैसे मैं मतलब मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। मैं जा रही हूँ सन्नी के साथ। हाँ, सन्नी हमारे साथ ट्रिप पे भी गया था, हम दोनों को ही काम आ गया अचानक से, तो हमें सबके ट्रिप खराब करते हुए वापस दिल्ली आना पड़ा है कल रात। अरे बहुत ही दुखद खबर है, बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं था। हमें पैराग्लाइडिंग करनी थी, हमें बहुत कुछ करना था, बहुत सारे ट्रैक्स थे जो रह गए। कोई नहीं, ये आइटनरी 2 भी कंटिन्यू रहेगी, फ्यूचर में प्लान बनाएंगे। अभी तो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, बोर्डिंग पास वगैरह ले लेती हूँ। See you there, bye.